नमस्कार साथियों, सनातन धर्म की जय हो, भारत वर्ष की जय हो। फिर से समय आ गया है आपके अपने मत के अधिकार के उपयोग करने का। एक आपकी गलती, एक आपकी चूक आपको नहीं, आपके परिवार को नहीं, पूरे देश को, पूरे राज्य को धकेल सकती है अंधकार के घेरे में। देखिए व्यक्ति को जो कि धर्म के प्रति कितना कट्टर है और कितना उसके प्रति समर्पित है। सुनिए, पहचानिए और फिर करते हैं बात। सुनिए इसे। तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, तलवार भाई है, तलवार नहीं पहन रखी है। 22 करोड़ लोगों में अगर 1 करोड़ 2 करोड़ लोग मर जाए कोई हटके उस कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, ये शरद की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहने में, निकाल देगा पार्टी में कर जाए। एक क्यों बनने की बात है, नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से कहूँ मैं हिंदू हूँ बोलते हैं, हमारे पीसी जी के दफ्तर में मूर्तियाँ बैठाते हैं। डूब बनने की बात है, डूब भगवान डूब बनने की बात है। सुना आपने, ये व्यक्ति स्पष्ट तौर पर कह रहा है ये कोई मुसलमान भी कम हो गए तो फर्क नहीं पड़ेगा, मुसलमान को कमजोर मत समझो। आज आपके राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब ये हालात हैं। अगर हाथ बदले तो सोचिए राज्य क्या कहा होगा, देश का क्या होगा। आपको अपने सनातन को पहचानना है, स्वार्थ को साइड में रखिएगा। नाते रिश्तेदार, चाचा, भतीजा, काका, ताऊ, यार, दोस्त सब बाद में खड़े होंगे, पहले खड़ा होगा हमारा धर्म, हमारा सनातन। इनसे ही कुछ सीख लीजिए और फिर धर्म की बात कीजिए, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए और आपका स्वार्थ आपके गले का ही हलक का चाकू बन जाए। समझे और फिर निर्णय लें। अपनी मां की, बहन की, बेटी रक्षा और सुरक्षा है आपके हाथ में। समझे और फिर दें वोट, राजनीति को नहीं, किसी पार्टी को नहीं, वोट देना है आपको सनातन के धर्म के रखवालों को। भारत वर्ष की जय हो।